शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए शेयर खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, ये मैंने भी अभी नई नई सीखी है। ऋषि स्वयं इन्वेस्ट करेगा उसको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आज आपको सुबह सुबह गारंटी दे देता। जी हाँ, योग सिखाने वाले बाबा रामदेव को मिल गया है सेबी का नोटिस, और वजह भी बहुत सही है। देखिए, बाबा रामदेव हैं तो योग गुरु, लेकिन वो अपने एक योगा कार्यक्रम के दौरान अपने श्रद्धालुओं को, अब जो योगी सीखने आए हैं योग, उनको उन्होंने अचानक से फॉर्मूला बताना शुरू किया करोड़पति बनने का। जी हाँ, अपने आप को गुरु कहने वाले इन लोगों का बिजनेस से क्या लेना देना है, ये आपको बहुत ही क्लियर समझ आ जाएगा इनके इस वीडियो से। करोड़पति बनाने का पूरा मंत्र देता हूँ, आज ही डीमैट अकाउंट खुलवा लेना। तो हुआ कुछ यूं कि योगा सिखाते हुए रामदेव ने बोला अपने भक्तों से कि देखो आप ऐसा करो कि एक डीमैट अकाउंट खोल लो। मैंने भी ये बात अभी अभी सीखी है नया नया कि शेयर मार्केट में कैसे काम किया जाता है। शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए शेयर खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, ये मैंने भी अभी नई नई सीखी है। इसके बाद उन्होंने बताया अपने भक्तों को कि तुम रुचि सोया के शेयर खरीद लेना, और जब मैं बोलूंगा तो उसके बाद पतंजलि के शेयर खरीदना। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि मैं अभी पतंजलि बोल रहा हूँ, कहीं कुछ लीगल का चक्कर ना फंस जाए। तो उन्हें मालूम था कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन अपने बिजनेस का फायदा तो उनको चाहिए ही चाहिए। ऋषि स्वयं इन्वेस्ट करेगा उसको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आज आपको सुबह सुबह गारंटी दे देता। ये किस तरह के योगी हैं ये तो समझ के बाहर है। जी हाँ, उसके बाद वो अपने भक्तों को बोलते हैं कि तुम ये लेकर बस समाधि लगा के बैठ जाना, खरीद फरोख्त मत करना, मतलब शेयर मार्केट में बेचना और खरीदने का काम मत करना, बस खरीद के बैठ जाओ, जब मैं तुम्हें बोलूँगा तब तुम ये शेयर खरीद लेना। हम आपको बताते हैं कि रुचि सोया वो कंपनी है जिसको हज़ारों करोड़ का घाटा हो रहा था, और जिन बैंकों से रुचि सोया ने लोन लिया हुआ था उन बैंकों ने रुचि सोया कंपनी की नीलामी कर दी, और उसके प्रमोटर एज प्रमोटर आ गए पतंजलि ग्रुप यानी कि बाबा रामदेव, और उन्हीं बैंकों ने, जिन बैंकों ने नीलामी की थी, रामदेव को सपोर्ट किया, लोन दिए रुचि सोया को खरीदने के लिए। और अब रुचि सोया अपना एफपीओ लाने वाला है, यानी एक उन्होंने सेबी से परमिशन, आरबीआई से परमिशन ली है 4300 करोड़ इकट्ठा करने के लिए वो अपना आईपीओ ला रहे हैं। आपको पता होगा कि इसे इंटरनल ट्रेडिंग भी कहा जाता है, जैसा कि बाबा रामदेव ने लोगों को बोला कि अरे तुम शेयर खरीद लो और तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि भैया मैं तुम्हें कंफर्म करता हूँ, सुबह सुबह मैं तुम्हारे को गारंटी न्यूज़ दे रहा हूँ। और ये सब चीज़ें आप सेबी के रूल्स के खिलाफ हैं। जी हाँ, तो बाबा रामदेव को सेबी की तरफ से बेसिकली रुचि सोया जो है उसके डायरेक्टर्स को सेबी की तरफ से लेटर चली गई, जिसका जो डायरेक्ट मतलब है वो बाबा रामदेव ही हैं। जो होगा आगे वो तो एक अलग बात है, लेकिन आम लोगों को ये ज़रूर समझ में आ जाता है कि अपने आप को योग गुरु कहने वाले बाबा रामदेव को पैसों से कितना प्यार है, और वो कितनी खूबसूरती से, कितने तरीके से अपने भक्तों को पैसा लगाने को बता रहे हैं सिर्फ पतंजलि के शेयर्स खरीदने के लिए। क्या है आपकी राय इस बारे में, पूरे मामले में, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो अंधभक्त हैं उनको पता चले कि बाबा रामदेव कर क्या रहे हैं। शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए शेयर खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, ये मैंने भी अभी नई नई सीखी है। ऋषि स्वयं इन्वेस्ट करेगा उसको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आज आपको सुबह सुबह गारंटी दे देता।